Good morning, students. So the second chapter of the subject Elements of Electrical and Electronics Engineering is Introduction to Basic Electrical Quantities and Circuit Elements. So this lecture is prepared by Medha Walia. So let's start off with basic electrical quantities. As we are already aware of the charge, we say a proton has a positive charge and an electron has a negative charge. Charge is measured in units called coulombs, abbreviated by C. So first of all, the three basic quantities, electrical quantities, are current, voltage and power. Current is time rate of change of electric charge, or you can say I is equal to charge per unit time, dq by dt. क्या है ये charge per unit time? So therefore, अब इसके units कैसे find out करने? So 1 ampere of current is equal to 1 coulomb charge by 1 second. So 1 coulomb per second. So what is the unit of current is ampere, and further it can be written as coulomb per second. Next is voltage. Voltage is electromotive force or potential. So it can be defined as the capacity of a charged body to do work. So work done in moving a unit charge from one place to another is electric potential or voltage. So work done को हम joules में measure करते हैं, और चार्ज को लेकर जाना है एक जगह से दूसरी जगह, सो पर यूनिट कूलम. सो वोल्टेज के यूनिट्स क्या हैं? 1 वोल्ट. सो 1 वोल्ट कैन बी रिटन एज 1 जाउल ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. सो जाउल पर कूलम, और वर्क डन इज आल्सो मेजर्ड इन न्यूटन मीटर्स. सो 1 न्यूटन मीटर पर कूलम is the unit of voltage. So now third electrical quantity is power. Power is written as the multiplication of current and voltage. So 1 watt, the unit of power is watt. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Voltage into current, so 1 volt into 1 ampere. So while solving these two, we get 1 joule per second. So coulombs will be cancelled out. So 1 watt is equal to 1 joule per second. So now let's talk about current. We normally know the movement of charges in metallic conductors is the result of electron motion. So जैसे जैसे एक conductor में electron move करते हैं, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट है. सो द साइन ऑफ करंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जो करंट का जो साइन है प्लस या माइनस, वो उसका डायरेक्शन बताता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. वेदर इट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन विल बी स्टडिंग ऑफ लेटर ऑन. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ करंट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फर्स्ट चैप्टर डायरेक्ट करंट. फॉर एग्जाम्पल बैटरीज, जो हमारे मोबाइल्स में, रिमोट कंट्रोल्स में बैटरीज यूज होती हैं, एंड सम स्पेशल जनरेटर्स ऑल्सो, दे स्टोर चार्ज, दे स्टोर एनर्जी. सो बैटरीज. सो ऑल्टरनेटिंग करंट, हाउस होल्ड करंट विच वेरीज विद टाइम. जो हमारे घर में बिजली आ रही है, इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. इट इज एसी वोल्टेज, एसी करंट है वो. सो नाउ वोल्टेज. वोल्टेज इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है, इज द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ यूनिट चार्ज लोकेटेड एट ईच ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट. हम इसको कैसे बोल सकते हैं? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. एक यूनिट ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो वोल्टेज है.
नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशंस. अब इनके लिए साइन कन्वेंशंस कैसे लेने हैं, पैसिव साइन कन्वेंशंस. करंट हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल्स के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है एंड इट इज लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल एज शोन इन द डायग्राम. सर्किट एलिमेंट्स विल बी स्टडिंग ऑफ लेटर ऑन बट आई विल बी टेलिंग यू नाउ ओनली. दीज आर रेजिस्टर्स इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स. ये तीन तरह के हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स होते हैं. सो करंट एंटर्स इन द सर्किट एलिमेंट फ्रॉम द वोल्टेज टर्मिनल तो पॉजिटिव साइड से एंटर करता है, नेगेटिव इट इज लीविंग. सो कंसीक्वेंसेस ऑफ फॉर पावर इज पॉजिटिव पावर मतलब कि जो सर्किट एलिमेंट है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, नेगेटिव पावर मतलब कि एलिमेंट जो है इट इज सप्लाइंग पावर. सो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इट इज शोन इन द टेबल. सो इलेक्ट्रिकल में हाइड्रोलिक इट इज कंपेयर्ड विद मैकेनिकल थिंग्स. सो इलेक्ट्रिकल में क्या है, बेस इज चार्ज, फ्लो क्या कर रहा है करंट, पोटेंशियल कौन दे रहा है वोल्टेज, एंड पावर इज गिवन बाय करंट इनटू वोल्टेज आई इनटू वी. सो दिस इज बेसिक एनालॉजी. नाउ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, क्योंकि सर्किट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दो तरह के सर्किट एलिमेंट्स हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एलिमेंट्स जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं जैसे कि बैटरीज या करंट या वोल्टेज सोर्सेस. जो सोर्स होता है, जब भी हम एक सोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम या तो वोल्टेज के फॉर्म में देते हैं सोर्स या करंट के फॉर्म में देते हैं सोर्स. सो सेकंड इज पैसिव एलिमेंट्स, दे कैनॉट जनरेट एनर्जी, वो अपने आप से जनरेट नहीं कर पाते हैं एनर्जी, दे रिक्वायर एनर्जी. सो पहला एलिमेंट है रेजिस्टर, दूसरा एलिमेंट है कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स. ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, दे स्टोर एनर्जी, दे डू नॉट जनरेट एनर्जी. नेक्स्ट आर इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट सोर्सेस. एन इंडिपेंडेंट सोर्स इज इट कैन बी वोल्टेज और करंट सोर्स, मे बी डीसी और टाइम वेरिंग. वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं तो डीसी सोर्स जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा और जो टाइम वेरिंग सोर्स है वो वेरी करेगा विद टाइम बट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वोल्टेजेस और करंट्स इन द सर्किट. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू सिंबल्स डीसी, जहां पर कॉन्स्टेंट वोल्टेज होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स डिफाइंड होंगे. टाइम वेरिंग टर्मिनल्स इट रिप्रेजेंटेड बाय एरो, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइंड नहीं होते हैं. सो टाइम वेरिंग द डिपेंडेंट सोर्स क्या है, द डिपेंडेंट सोर्स मैग्नीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ अनदर वोल्टेज और करंट इन द सर्किट. वो एक कोई और वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स पे डिपेंड करता है. सो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज क्या क्या हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट वोल्टेज सोर्स. ये दोनों ही वोल्टेज सोर्सेज हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. सो जो पहली वाली डायग्राम में 6 into वोल्टेज सोर्स, सो वोल्टेज डिपेंड्स ऑन वोल्टेज सोर्स, एंड दूसरी वाली डायग्राम में करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज सोर्स. सो 6000 into करंट. डिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर वो करंट सोर्स पे डिपेंड करिए, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स. सो फर्स्ट वन में हमें दिखाई दे रहा है कि वो करंट सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स. सो थैंक यू, दीज वर द सर्किट एलिमेंट्स एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वी हैव स्टडीड. विल बी स्टडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दीज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इन आर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.